हो, बिल्कुल ऐसा सीन लग रहा है जैसे कि मनाली में है। खतरनाक वाला सीन हो रहा है। इसमें तो लिख सकते हैं यार कुछ। आई लव यू के लिए जगह नहीं थी, शुभम लिखी है। सुबह की ऐसी शुरुआत बहुत ही मस्त। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कल का दिन इतना मस्त बीता ना, इतना मस्त बीता कि क्या बताऊं कितना मस्त बीता। आज फिर जाना है एक सबसे वैसे डेली आप लोग को यही चीज़ बोलते रहता हूँ कि आज इंपॉर्टेंट काम है, आज ये है, आज वो है। आज मगर एक चीज़ बताता हूँ, आज से हम रिद्धि को एक नया रूप देने वाले हैं। नया रूप इन द सेंस की एक उसकी नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके 3 महीने कंप्लीट हो चुके, चौथा महीना भी बस कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके स्टार्ट करने वाले हम क्लासेस, मतलब घर में ही पढ़ाने का, कुछ आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि ये एज होती है, वो ऑफिस चल के बताते हैं कौन सी एज होती है। जो बात थी कहने की आप लोग से कि 4 महीने में क्या सीखता है बच्चा, 4 महीने में सीख जाता है बच्चा बातों को समझना, वर्ड को ग्रैप करना, और कई तरह की चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसमें कि माँ पापा ये तो सब कुछ, इवन दो अपना नाम तक मतलब जानना सीख जाता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया, क्यों ना उसको एक किताब दी जाए जिसमें अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हों, नए नए वर्ड्स हों जिनको वो देखे, सीखे, कुछ कुछ नया नया सीखे। हम भी कोशिश करेंगे कि अभी से उसको कुछ चीज़ें सिखाएं, बताएं, ताकि वो आगे चल के और अच्छा काम करे, क्या पता अपने देश के लिए कुछ नाम भी कर सके। ज़्यादा सोच लिया वैसे। अच्छा ये सब शेप्स हैं, ये चिड़िया। पालतू जानवर हैं और ये जंगली है। चलिए अभी तो दो ये लेके जाता हूँ, ये दो लेके जाते हैं, ये दो और ये, फिर आके देखेंगे, फिर सीखेंगे। कितना पूरे मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ है कि दिखाने में नहीं बन रहा है। ले लिया अब चला जाए। उनकी दवाई ले ली है, अब चलते हैं घर। दवाई का असर खत्म हो जाता है। अच्छा जाओ छेड़ो, घूमी जाओ। मैं घूमी आता हूँ, जा नहीं रही है। चलो घूमी चलो। बाद में खा लेना। चलो। ये कैलेंडर है ठाकुर प्रसाद का, लगा दो। अच्छा और ये देखो एक चीज और कलम, सबसे इम्पोर्टेंट ये है बुक्स। आ हमारी बाबू की रिद्धि की बुक्स पढ़ेगी। क्यों उसको बताएंगे ना वो, अरे देखो 4 महीने से ना बच्चा शब्दों को समझने लगता है, ठीक है, वर्ड्स को पहचानने लगता है, और जो वर्ड्स को पहचानने लगते हैं तो धीरे धीरे वही वोकैबुलरी, मतलब उसके वर्ड्स को पहचानने का, फोटोज को पहचानने अच्छा, का फोटो से। हाँ, बढ़ता है तरीका। अच्छा बहुत छूट जाता है इसमें। और भी थे मेरे वक्त में, तो सर चीजें मेरे वक्त में ना मनोहर पोथी आता था जो दादी लेकर आती थी, पता कितने का, 2 रुपए का आता था। पता नहीं भाई, उसमें ना इतने पतले पतले पेज, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर का जो पेज होता है ना, वो गला सा पेज होता था, उसके लिए मैं लेके ना स्कूल, वो क्या ये सही है ना, इंग्लिश का है, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, ये सब। इसमें क्या है ना कि बच्चा जब देखता है ना फोटो, ये सब देखता है, जैसे कैट ये सब, तो उसको बोलेंगे ना बाबा कैट, सी फॉर कैट, फोटो देख के ना थोड़ा सा वो होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, खुश होते हैं। अभी जैसे लकड़ी की काठी देख के क्या होती है, गाना सुनती है, फोटो देखती है, उसी तरह जो घोड़ा वगैरह है ना उसको देखती रहती है, उसको पसंद आता है, वो चीज इन्हीं सब चीजों से अट्रैक्ट होगी, पढ़ाई की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ये जैसे बैठ गए हाथ में लेके, और छोटा वाला इसलिए लेके आया हूँ कि हाथ में लेके आराम से दिखा पाओगे, नहीं होगा ना, इन सबको अलग अलग कर लेना, ये सारे अलग अलग कर लेना, ये हार्ड है, अलग अलग कैसे करना, उखाड़ देना ना, फाड़ देना, बुक फाड़ी नहीं है तुम। अच्छा बुक फाड़ने के लिए बोल, अभी हाथ में आया नहीं, बुक फाड़ने के लिए बोला जा रहा है, क्या बात है, हमारी बाबू फाड़ना तो सीख जाए, ये फाड़ फाड़ के दिखा दिया। अच्छा मम्मी सिखा रही है बुक फाड़ने के लिए, और क्या, मेरी बेटी क्या बेटों से कम है। ये ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर 2020 का, 22 सॉरी, मैं 20 में जी रही हूँ।
चलो भाई शगुन के ऑफिस से पहली बार, सॉरी एड्रेस नहीं दिखा सकते, मगर शगुन के ऑफिस से पहली बार कोई गिफ्ट आया है न्यू ईयर का। मेरी गलती से दिवाली नहीं है। तुम्हारी गलती से नहीं, शगुन हमेशा अपना एड्रेस ही ऐड करना भूल जाती है। इस बार एड्रेस अपडेट करी तो फिलहाल आ तो गया कम से कम। अब मुझे पता भी नहीं था कुछ आने वाला, मैं तो डर गई कि मेरे नाम पे कौन सा पार्सल आया, मैंने कुछ ऑर्डर तो किया नहीं है। चलो फाइनली देखा जाए क्या है इस पार्सल में। ड्राई फ्रूट्स, गुण सही बोली थी, ड्राई फ्रूट्स ही है। ये कचड़ा, ध्यान से देखो इस इंसान को। मेरे ऑफिस से आया हुआ सामान लेकर बैठ गया पूरा डब्बा, अब मुझे पता तक नहीं चला। ऐसे इंसान ना डेली बेसिस पे खर्चे, मतलब क्या बोलते हैं, इनको पॉकेट मनी डिजर्व करते हैं, पर अब वो भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर इनको 5,000-10,000 एक दिन कर दो तो वो सारे खाने में निकाल देंगे। पूरा डब्बा खा गया है, अब पता है ये तो अभी इनका स्टार्टर है, फिर बाथरूम जाने के पहले बाथरूम में भी लेके जाएंगे और बाथरूम से वापस आने के बाद भी खाएंगे और सोने के बाद भी। आप लोग को याद होगा 10 दिसंबर को मैं शगुन के लिए लेके आया था, जो कि मैं कहा था कि एनिवर्सरी गिफ्ट है, और वो चांदनी चौक से जो लेके आया था पूरा खा गए, जिसमें चोर पकड़े गए थे, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन में डालूंगा। वो वाला पिस्ता रखा हुआ था अंदर, रात में एडिटिंग कर रहा था, 2 बजे उठा, इतना सारा पिस्ता लिया। वैसे इतना प्रोटीन खाना अच्छी बात नहीं है, आप समझा सकते हैं, पावर आती है। मैं 2 ले लूं 2। अरे दो दो का पता है मुझे, एक दिया जा रहा है, खुद 10 उठाया जा रहा है, बात बोले जाते मैं 2 ले लूं। मैं डब्बा रखूंगा अब। पता क्या होगा, जब रात में बैठेंगे एडिटिंग करने, पूरा डब्बा लेके सुबह खाली करने के बाद बोलेंगे सॉरी बाबू सब खाली हो गया। मेरे ऑफिस आए हुए कल को, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आएगी ऑफिस से एड्रेस में पहले बोले कि हाँ मैं ही उसका पति हूँ, ये मुझे हैंडओवर कर दो खा पी के सब खत्म, नामो निशान गायब होगा। फिर मैं ऑफिस से फोन करूंगी सर ये मेरे पास कैसे नहीं पहुंच रहा, मैं खा के खत्म कर चुका हूँ। होता है होता है, इतना तो हक रखते ही हैं हम, ऐसा हक है कि सब भकोच जाओ।